आज हम बात करेंगे IRI के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में RA, JRF और स्किल्ड हेल्पर की जॉब के बारे में। हम जानेंगे कितनी पोस्ट हैं, उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी सैलरी क्या है और इंटरव्यू की डेट क्या है, और बाद में जानेंगे कि इस फॉर्म को हम किस प्रकार से फिल करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं JRF की पोस्ट के बारे में। तो JRF की पोस्ट दो हैं और प्रोजेक्ट का जो नेम है वो है मैपिंग एंड ट्रांसफर ऑफ नोवल रेसिस्टेंट जीन फॉर मल्टीपल बायोटेक स्ट्रेस इन वीट। इस प्रोजेक्ट के जो PI हैं वो हैं डॉक्टर विनोद, जो जेनेटिक्स डिवीजन में इस समय प्रोफेसर हैं। इसकी जो JRF की सैलरी रहेगी वो 31,000 प्लस HRA रहेगी उस कैंडिडेट के लिए जिसके पास MSc प्लस नेट सर्टिफिकेट होगा, नेट क्वालिफाई होगा। जिन कैंडिडेट के पास नेट नहीं होगा उनके लिए 25,000 प्लस HRA सैलरी होगी। अब इस JRF के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री आपकी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में हो, या जेनेटिक्स में हो, या बायोटेक्नोलॉजी में हो। जिन कैंडिडेट्स के पास 4 साल की बैचलर डिग्री है उनके लिए नेट एसेंशियल नहीं है, लेकिन जिन कैंडिडेट के पास 3 साल की बैचलर डिग्री है और 2 साल की मास्टर डिग्री है उनके लिए नेट आवश्यक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यदि मॉलिक्यूलर मार्कर या फील्ड फिनोटाइपिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फील्ड क्रॉप में एक्सपीरियंस है तो उनके लिए वरीयता दी जाएगी। अब बात करते हैं RA की पोस्ट के बारे में। RA की एक पोस्ट है जिसकी सैलरी होगी 47,000 प्लस HRA और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है PhD इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या PhD इन बायोटेक्नोलॉजी और किसी भी सब्जेक्ट में PhD हो, या MSc हो और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वो भी RA के लिए एलिजिबल होगा। इसके लिए डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो है एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर मार्कर फील्ड फिनोटाइपिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फील्ड क्रॉप। यदि इसके बारे में उसके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए वरीयता दी जाएगी। अब बात करते हैं स्किल्ड हेल्पर के बारे में। स्किल्ड हेल्पर की दो पोस्टें हैं और उसकी सैलरी है 19,291 पर मंथ मिलेंगे, इसमें कोई भी HRA नहीं मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में केवल हाई स्कूल है, मैट्रिकुलेट यानी हाई स्कूल इसमें चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से हो, और डिजायरेबल इसकी क्वालिफिकेशन है कि यदि वर्किंग लैब का एक्सपीरियंस है या फील्ड एंड ग्रीन हाउस का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो वो उसकी उसके लिए वरीयता दी जाएगी उन कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं इसमें दूसरा प्रोजेक्ट है CRP ऑन मोलिकुलर ब्रीडिंग, मोलिकुलर ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टॉलरेंस टू बायोटेक एंड बायोटेक स्ट्रेस यील्ड एंड क्वालिटी ट्रेड्स इन क्रॉप यानी वीट। ये ICR द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के भी PI डॉक्टर विनोद सर हैं और इसमें जो JRF की जगह हैं वो एक है और इसकी सैलरी भी 31,000 प्लस HRA है, वो 2 साल के लिए मिलेगा, तीसरी साल में 35,000 प्लस 24% HRA मिलेगा। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री या तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में हो, या जेनेटिक्स में हो, या बायोटेक्नोलॉजी में हो। जिन कैंडिडेट के पास 4 साल की बैचलर डिग्री है उनके लिए नेट जरूरी नहीं है, लेकिन जिनके पास 3 साल की बैचलर डिग्री है उनके लिए नेट एसेंशियल है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है यदि मॉलिकुलर मार्कर के फील्ड में यदि उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनके उन कैंडिडेट के लिए वरीयता दी जाएगी। तीसरा प्रोजेक्ट है इसमें CRP ऑन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फॉर हायर प्रोडक्टिविटी इन सेलेक्टेड फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप वीट। ये भी ICR द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है। इसमें JRF की पोस्ट एक है, इसकी भी सैलरी 31 प्लस HRA है, वो 2 साल के लिए मिलेगा, तीसरी साल में 35,000 प्लस 24% HRA पर मंथ मिलेगा। इसकी भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी,
जिनके पास 4 साल की डिग्री है बैचलर, उनके लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिन कैंडिडेट के पास 3 साल की बैचलर डिग्री है उनके लिए नेट एसेंशियल है, उनके लिए नेट एसेंशियल है, नेट के बगैर उनका सिलेक्शन नहीं होगा। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में यदि मॉलिकुलर मार्कर के क्षेत्र में उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनके लिए वरीयता दी जाएगी। ये इन पोस्ट के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस दे रखी हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं हम फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो ये फॉर्म है जो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको भर सकते हैं, इसको वर्ड में भी भर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट निकाल करके भी भर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगाएंगे और इस प्रकार भरेंगे इस फोटो को कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। यदि आप आरए के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर आरए लिखेंगे, यदि जेआरएफ के लिए भर रहे हैं तो जेआरएफ लिखेंगे, और यदि स्किल हेल्पर के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर स्किल हेल्पर के लिए लिख देंगे। अब बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो कैंडिडेट का नाम आएगा, उसके बाद में कैंडिडेट के फादर का नाम आएगा, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ आएगी और एज आएगी कैंडिडेट की, यानी इंटरव्यू डेट तक कितनी एज का है कैंडिडेट वो एज आएगी। एड्रेस आएगा पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आएगा और मैरिटल स्टेटस क्या है, शादी हुई है कि नहीं हुई और किस कैटेगरी से बिलोंग करता है कैंडिडेट। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th, यानी 10th, 11th, 12th, और उसके बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि पीएचडी है तो पीएचडी की क्वालिफिकेशन आप इसमें इस बॉक्स में भर देंगे। उसके बाद में आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, यदि आपने यदि आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर आप एनए लिख देंगे, नो एप्लीकेबल, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो किस सीरियल नंबर 1 और किस पोजीशन पर आपने काम किया है और किस संस्था में काम किया है और कितने पीरियड से कितने पीरियड तक आपने काम किया है, उसके बाद में उसमें टोटल एक्सपीरियंस कितना है, इस प्रकार से आप एक्सपीरियंस की डिटेल आप इस बॉक्स में भर देंगे। यदि आप प्रेजेंट में किसी संस्था में काम करते हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, यानी एनओसी लेनी होगी और एनओसी के सर्टिफिकेट को आप संलग्न करेंगे। इस प्रकार से इस फॉर्म को भर के आप इंटरव्यू के समय आपको इस फॉर्म को भर के और अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी फोटोकॉपी लगाएंगे और वो इंटरव्यू के समय वेरीफाई करेंगे। और ध्यान रखें आप कि 21 अप्रैल इसकी इंटरव्यू की डेट है। यदि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 21 अप्रैल को आप इंटरव्यू देंगे, IRI में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे 10 बजे के बाद 21 अप्रैल को।